वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। सोना ही सोना, इतना सोना कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। इतना सोना आपने या तो बप्पी लहरी के गले में देखा होगा या किसी सुनार की दुकान पर। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें भी किसी दुकान की होंगी, पर आप गलत हैं। इतना सोना किसी दुकान पर नहीं, एक अधिकारी के घर पर मिला है। सोने के बिस्किट हैं, चमचमाते जेवर हैं, कैश है, इतना पैसा है कि समझ ही सकते हैं कि अधिकारी की तो बस ऐश ही ऐश है। पर ये ऐश, ये मस्ती और ये सोने की चमक सब फीकी हो गई। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जनाब के घर पर छापा मार दिया और अधिकारी के घर से अकूत संपत्ति बरामद की। दबिश के दौरान जब इस अधिकारी के ठिकानों से 7 किलो सोना बरामद हुआ तो सब हैरान रह गए। सोने की चमक देख अधिकारियों की भी आंखें चौंधिया गई होंगी। एक बार की तो वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये किसी अधिकारी का घर है या फिर सोने की खदान। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो को कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर रुद्रेशप्पा टीएस के पास अकूत दौलत का पता था, जिसके बाद इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया। छापेमारी के दौरान कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के ठिकानों से कुल 7 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अलावा 15 लाख रुपए कैश भी मिला है। एसीबी ने कर्नाटक के गडक जिले में रुद्रेशप्पा के ठिकानों पर सुबह छापेमारी को अंजाम दिया। रुद्रेशप्पा के अलावा कई और संस्थानों और अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी चल रही है। ये सभी छापेमारी अभियान कर्नाटक में तमाम जिलों में चल रही है। अब देखना होगा कि ऐसे और कितने अधिकारी सामने आते हैं जिन्होंने जनता के पैसे को अपना समझने की भूल की और चमड़ी के नीचे दमड़ी दबाकर धन्ना सेठ बने बैठ गए हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।